हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी फर्स्ट यूनिट और उसका पर जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट चल रहा था। तो बीएससी पार्ट थर्ड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी, जबकि फर्स्ट यूनिट फर्स्ट और उसका पार्ट थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। मेटल कॉम्प्लेक्स की पढ़ रहे थे और उसमें पढ़ रहे थे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक था आज का। पिछले लेक्चर से हमने ट्रांस मेटल के बारे में पढ़ा था, ये ट्रांस एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट हो गई थी। अब आज पढ़ेंगे अष्टकोणीय समीकरणों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अष्टकोणीय समीकरणों की प्रतिस्थापन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया अष्टकोणीय जो समीकरण है उसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, जो होती है टू टाइप की होती है। पहला टाइप है नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक। नाभिक स्नेही से किन प्रकार की रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक को पहले पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक या धातु प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रोफिलिक या धातु प्रतिस्थापन जिसे नाम से ही पता चल रहा है, मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इन अभिक्रियाओं में संपूर्ण यौगिक में एक इलेक्ट्रोफाइल यानी केंद्रीय धातु पर आयन का अन्य किसी धातु परमाणु से क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है। इन अभिक्रियाओं में संपूर्ण यौगिक में इन अभिक्रियाओं में इन अभिक्रियाओं में संपूर्ण यौगिक में संपूर्ण यौगिक में एक इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल यानी कौन होता है? केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय या तो सेंटर मेटल रोटेट होगा या फिर सेंटर आयन होगा का अन्य किसी परमाणु द्वारा का अन्य किसी परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। प्रतिस्थापन हो जाता है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो इसको ओवर NH3 का 5CN, इसकी जगह मैं किसको ऐड करना चाहता हूं? HG इलेक्ट्रोफाइल का ये 2-3 HG। अब जो ये वाला डेफिनेशन में क्या है? इन अभिक्रियाओं में संपूर्ण यौगिक में एक इलेक्ट्रोफाइल यानी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं जो अन्य किसी परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो यौगिक होगा अपना, इससे हो जाएगा ये क्या बन जाएगा? ये HG NH3 5CN ये माइनस का CO। रियल रिएक्शन जो होती है इस प्रकार की कोई ज्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन नहीं होती है, इसीलिए अभिक्रियाओं को क्या है इन अभिक्रियाओं को ज्यादा अध्ययन के लिए सिलेक्ट नहीं करती। ये रिएक्शन अधिक महत्व वाली नहीं है, इन रिएक्शन का कोई अधिक महत्व नहीं होता। इन रिएक्शन का कोई अधिक महत्व नहीं होता है। बस कोई नोट कर लो, सेकेंड अपने नाभिक स्नेही नाभिक
अन्य विधि द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया जिनमें अभिकारक में उपस्थित उपसहसंयोजी लिगेंड का अन्य लिगेंड द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, लिगेंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में इस प्रकार की अभिक्रियाओं में उपसहसंयोजन अभिक्रियाओं उपसहसंयोजन बंध बनाएंगे द्वारा जुड़े किसी लिगेंड का अन्य लिगेंड के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या किया कहलाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जैसे लिगेंड देता हूं NH6+ इसके साथ क्या करता हूं, वाइट लिगेंड के साथ रिएक्शन करवाता हूं, वाइट लिगेंड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा ये दिया इनको लगेगा तो बात हो जाएगी क्या हो जाएगा NH5+ ये सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए लिगेंड का अन्य लिगेंड द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल ये है NH5, एक एग्जाम्पल में नहीं लिया उसकी रिएक्शन वाई के साथ उसके साथ में जेड हो गया, जेड क्या हो जाएगा NH5 ये जेड है प्लस ये वाई बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर जो वाई बाहर निकलेगा वो क्या है इसका सेकेंड, इसलिए इस मेटल के साथ में लिगेंड जुड़ा हुआ था वो इस लिगेंड से डिस्प्लेसमेंट हो गया है, प्रतिस्थापित हो गया। रिएक्शन दो टाइप में होती है, SN1 एक अणु रासायनिक अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। तो इसमें इसको यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ये रिएक्शन दो प्रकार की होती है, कौन कौन SN1 और SN2 एक अणु नाभिक से प्रतिस्थापन भी की है। तो पहला पढ़ेंगे SN1 एक अणु नाभिक से प्रतिस्थापन एक कानून बनाने से नहीं प्रतिस्थापन इसको ये क्या है दो पदों में संपन्न होती है टू स्टेप में। प्रथम जो होता है इसकी स्टेप होगी रिश्लो होगी, इसीलिए प्रथम जो रिएक्शन है उसको क्या बोला जाता है लो स्टेप मंद मंद गति से होकर एक इंटरमीडिएट बनेगा पांच उपसहसंयोजी बंध वाला एक इंटरमीडिएट बनता है। पांच उपसहसंयोजी संख्या कितनी है 5, इसको क्या बोल देते हैं मंद पथ यानी वेग वितरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में स्लो स्टेप होती है वही उस रासायनिक अभिक्रिया की रेट है, स्टेप होती है एक मोड़ लिया था नहीं स्टार्ट करना। अब देखो जो अभिक्रिया का प्रथम पद है ये फर्स्ट पद प्रथम पद इसका द्वितीय पद क्या हो जाएगा इस इंटरमीडिएट पर कोई दूसरा लिगेंड आक्रमण करेगा और एक क्या करेगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। द्वितीय पद में नाभिक श्रेणी पांच उपसहसंयोजी मध्यवर्ती
यानी जो मध्यवर्ती हो सक्रिय उत्पाद पर आक्रमण कर प्रतिस्थापक अभिक्रिया या प्रतिस्थापक उत्पाद को देता है। तो इस पद में मध्यवर्ती इस पद में देखिए प्रथम पद से प्राप्त पांच उपसर्ग संयोजक बंद युक्त सक्रिय अणु पर इस पद में देखिए प्रथम पद से प्राप्त पांच बंद युक्त सक्रिय अणु पर आक्रमण कर प्रतिस्थापन आक्रमण कर उत्पाद देता है। जैसे क्या हो ये लोन बैंक दे देता है इसका क्या बन जाएगा मंस पर ये तीव्र फलोता अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। ये अभिक्रिया क्या है बहुत तीव्र गति से होती है और जो इसका वेग है वेग केवल के अक्षपाय और इस पर डिपेंड करता है। तो अभिक्रिया क्या है कि जो इसका वेग इस पर डिपेंड करेगा केवल तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन इस पर निर्भर करती है। इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की प्रारंभिक सामर्थ्य पर क्या करती है निर्भर करती है। एक नोट लिखेंगे इसमें नोट में क्या लिखेंगे संकुल में पक्ष लिखेंगे में संकुल में संकुल में पक्ष लिखेंगे में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या है लक्ष्य एक लिगेंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता जितनी अधिक होगी इलेक्ट्रॉन देने जो इलेक्ट्रॉन है कोई संकुल उसमें अक्ष लिगेंड इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता जितनी अधिक होगी लिगेंड में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता जितनी अधिक होगी वो जो मेटल वाई बॉन्ड मेटल के अंदर क्या है ये वाई लिगेंड के साथ जुड़ा वाई लिगेंड बंद उतनी शीघ्रता से टूट जाएगा। वियोजित या टूट उतनी शीघ्रता से वियोजित या टूट जाएगा तथा उतनी ही शीघ्रता से अभिक्रिया टूट जाएगा तथा अभिक्रिया भी उतनी अभिक्रिया क्या हो जाएगी शीघ्रता से पूर्ण हो जाती है अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। जैसे मान लो कि जो इस तरीके की कंडीशन है ये मेटल इसके साथ क्या है लिगेंड जुड़े हुए इस टाइप से एक इस टाइप से है इस टाइप से और ड्राइवर ये मेटल इससे भी लिगेंड जुड़ी हुई तो एक क्या है एक ये भी स्ट्रक्चर है इसके साथ भी क्या है मेटल जुड़े हुए लिगेंड जुड़े हुए एक किसी स्ट्रक्चर किसी स्ट्रक्चर इसके साथ भी क्या है लिगेंड ये सिर्फ सारा है देखना इसके अंदर क्या है कि जैसे मान लो ये अक्ष है इसके साथ में क्या करा रहा हूँ फर्स्ट स्टेप में क्या है अपने जेड अपने को क्या करना है इसमें वेट करना है तीव्र पद का प्रथम ये जेड हो जाएगा क्या हो जाएगा ये चार पाँच मिलियन जो इंटरमीडिएट पर अपने पाँच इस पर मैंने जेड का क्या किया इसके साथ जेड मिलियन में रिएक्शन करवा रिएक्शन बहुत ही प्रोडक्ट है ये अस्पलटी है ये अस्पलटी
क्या है mx by mx by k इसके स्टेप क्या है अब यहां देखो इधर वाले स्टेप पे मैं माइनस बाय कर रहा हूं जैसे मान लो कि यहां कोई भी रिएक्शन है यहां ये बाय ये रक्स है ये आंसर ये आंसर ये आंसर यहां से मैं बाय को रिड्यूस कर रहा हूं अब प्रतिक्रिया क्या होगी मंद गति जैसे मैंने बाय को यहां से हटाया ये स्टेप इसमें ऐड किया ये हो गया माइनस वाई मन यहां से भी मैंने क्या किया माइनस वाई को रिड्यूस कर दिया एक स्ट्रक्चर प्राप्त हुई अपने को यस 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 इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है त्रिकोणीय द्विभाजक त्रिकोणीय त्रिकोणीय द्विभाजक ये मध्यवर्ती है ये ये रिएक्शन है इसमें से मैं क्या कर रहा हूं यहां पर मैं वापस क्या कर रहा हूं z को फिर कर रहा हूं और रिएक्शन क्या होगा तीन गति से ये z हो जाएगा इसमें ये स्ट्रक्चर क्या होगा ये वाली स्ट्रक्चर कैसी है वर्ग की हुई है वर्ग ये आज की क्लास में बस इतना ही आप इसको डिनोट करो नेक्स्ट क्लास में